मोम कैन परमाणु 5 जून वोकैबुलरी सेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच होता है पीस ऑफरिंग, यानी कि शांति की अगुवाई करना है या शांति समझौते के लिए बोलना किसी को। वी आर हेयर टू मेक ओलिव ब्रांच इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। हम वाद विवाद के मुद्दे पर शांति चाहते हैं, तो ओलिव ब्रांच का मतलब है मेक पीस, शांति पैदा करना या शांति का ऑफर प्रस्ताव रखना, शांति का प्रस्ताव रखना। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म होता है लव फॉर कंट्री एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस लाइफ फॉर इट। देश के प्रति प्यार की भावना या नेशनलिज्म का शाब्दिक मीनिंग होगा राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र के लिए अपने आप को त्याग कर देना। ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इनकरेजेस अस टू बी यूनाइट, एक साथ रहने की जो भावना है वो हमें नेशनलिज्म से आती है। थर्ड जो वर्ड है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हंगर, भूखे मरने की स्थिति, लेकिन जब एक्सट्रीम भूखा हुआ आदमी उसको बोलते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन कैन बी द एक्ट टू रीच गॉड। पहले माना जाता था कि भूखे या फिर व्रत करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। डिसिडेंस, डिसिडेंस होता है डिसएग्री विद गवर्नमेंट, यानी सरकार से सहमत होना, सरकार से या किसी और से भी सहमत न होना, उसको हम डिसिडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फोरगो। फोरगो होता है प्रिसीडेंस, यानी कि पहले आने वाला, या फिर फोरगो का मतलब होता है वेव, डिस्पेंस विद, यानी कि किसी को छोड़ देना या त्याग देना। वी मस्ट हैव टू फोरगो करप्शन, हमें जो करप्शन है उसको छोड़ना होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फेबल। फेबल होता है डेलिबरेटली फॉल्स, फॉल्स मतलब मनगढ़ंत, या फिर एक ऐसी छोटी कहानी जिसमें एनिमल्स को करेक्टर लिया गया हो, जिससे हमें शिक्षा भी मिलती हो, उसको बोलेंगे फेबल। और सेवन्थ जो वर्ड है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, तो उसको हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। एट्थ जो वर्ड है वो है यूफोरिया। यूफोरिया होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट इलेशन ऑफ जॉय, यानी कि अत्यंत आनंद और खुशी का आभास होने वाली स्थिति को हम यूफोरिया बोलते हैं। यूफोरिया में भी आइडियल कंडीशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोरो, दुखों के संसार में जो यूफोरिया है वो एक आइडियल कंडीशन है जो कि कभी हो ही नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता। इनफेमस, इनफेमस होता है वाइडली नोन बट नॉट रिस्पेक्टेड, बदनाम व्यक्ति को इनफेमस बोलते हैं। ड्यू टू हिज बैड एटीट्यूड ही इज़ नाउ इनफेमस इन आवर सिटी, उसके बुरे परिणाम, बुरे कारण कामों की वजह से वो आज बदनाम है। और टेंथ जो वर्ड है वो है इनएडिकेट। इनएडिकेट का मतलब होता है नॉट सफिशेंट इन क्वान्टिटी, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में, जिसकी सप्लाई पूरी तरह ना हो। ड्यू टू इनएडिकेट सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स देयर प्राइसेस सोर, वेजिटेबल्स है जो उनकी जो मात्रा है वो पर्याप्त रूप से न पहुंचने के कारण प्राइस उनका बढ़ गया। 11th और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इन एडवरेंट, हैपन एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली, अनजाने में होना या करना, उसको बोलते हैं इन एडवरेंटली। आई एट रॉन्ग मेडिसिन इन एडवरेंटली, कि अनजाने में या गलती से।